राजस्थान की सियासत में इन दिनों निकम्मा शब्द बेहद छाया हुआ है। इस पर जब जमकर सियासी बवाल भी मच रहा है। अब राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पहले सचिन पायलट को निकम्मा कहा, अब गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा कह रही हैं। मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मुख्यमंत्री को लेकर अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती। साथ ही किरोड़ी मीणा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर भी निशाना साधा। ईआरसीपी को लेकर किरोड़ी मीणा दौसा के नांगल राजावतान में 10 जुलाई को महापंचायत करने जा रही हैं। हालांकि प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर अनुमति नहीं दी, लिहाजा ऐसे में किरोड़ी का कहना है कि अनुमति लेने का प्रयास किया जाएगा, नहीं तो 9 अगस्त को महापंचायत होगी। उन्होंने संकेत दिया कि महापंचायत के साथ जयपुर कूच का भी निर्णय किया जा सकता है। साथ ही इस मुद्दे पर किरोड़ी ने गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार तकनीकी खामी दूर नहीं कर रही। ईआरसीपी को लेकर डीपीआर केंद्र को भेजी गई थी, जिसमें 50% जल निर्भरता का प्रोजेक्ट बनाया था। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए 75% जल निर्भरता आवश्यकता है। साथ ही चंबल का पानी मध्य प्रदेश से आता है, ऐसे में मध्य प्रदेश की सहमति भी आवश्यक है। साथ ही दौसा सहित करौली, सवाई माधोपुर, अलवर और जयपुर के सभी बड़े बांधों को इस परियोजना में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि यह 3 तकनीकी खामी दूर करके पुनः प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दे तो इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाना उनकी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।